मैरवा में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रशासन हुई सख्त। शुक्रवार की सुबह स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के साथ सड़क पर घूम रहे लोगों से सख्ती करते हुए घरों में रहने को कहा। वहीं अनावश्यक रूप से घूम रहे वाहन चालकों पर जुर्माना भी किया गया। मैरवा के मालगोदाम रोड में पुलिस ने लाठी भाज कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया। धौरंदा अचल अधिकारी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए धौरंदा एनएच 531 मुख्य सड़क पर सभी दुकानदारों को दुकान लगाने का दिया आदेश। धौरंदा अचल अधिकारी पारसनाथ राय ने कोरोना संक्रमण बीमारी के मद्देनजर रखते हुए सभी सब्जी दुकानदारों को मंडी से हटकर एनएच 531 सिवान छपरा मुख्य मार्ग पर 10 मीटर की दूरी पर सब्जी दुकान लगाने का आदेश देते हुए शीघ्र चेतावनी दिया कि जो 10 मीटर की दूरी से कम दुकान लगाएंगे उनके ऊपर बिहार लॉकडाउन के उल्लंघन का प्राथमिकता दर्ज किया जाएगा। लग रही है किस वजह से लग रही है सर? देखिए बाजार जो बीच में जहाँ लगता था वहाँ जगह कम है, स्पेस ज़्यादा बहुत कम है, जिसके चलते भीड़ ज़्यादा होता था। लोग ग्राहक और दुकान के बीच की दूरी 1 मीटर भी नहीं हो पाता था, इसलिए वहाँ से ले आकर रोड पर लगवाया गया है कि अब यहाँ कम से कम 10 मीटर का दूरी लोग पर रहेगा और थी जो है ग्राहक भी की भीड़ कम हो जाएगी। सिवान पचरुकी प्रखंड क्षेत्र गम्हरिया बाजार स्थित सुपौली बैंक ऑफ इंडिया के CSP की ओर से ग्राहकों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया जा रहा है। CSP संचालक रामाधार सिंह के मुताबिक ग्राहक सेवा केंद्र आने वाले तमाम ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी स्थापित किया जा रहा है, साथ ही ग्राहकों को कोरोना महामारी के बारे में भी बताया जा रहा है।